खुदाहाफिज़ देखते हुए मुझे दो फिल्मों की याद आई, एक तो सड़क और दूसरा बागी 3। लेकिन फिर भी विद्युत जम्वाल जैसा एक्शन मशीन टाइप हीरो होने के बावजूद इस फिल्म की जो गति होनी चाहिए थी उसके हिसाब से तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी नॉर्मल है। खुदाहाफिज़ कहानी है समीर यानी विद्युत जम्वाल और नरगिस यानी शिवालिका ओबरॉय की, जो फिल्म के शुरुआती 15 मिनट में ही मुलाकात, शादी, अरेंज मैरिज वाला प्यार और एक रोमांटिक गीत के बाद रात ही खुशी सेटल हो जाते हैं। लेकिन ये साल है 2008, तो टीवी पर एक तरफ रवीश कुमार अपने ट्रेडमार्क अंदाज में आर्थिक मंदी के नुकसान बताते हैं, दूसरी तरफ नरगिस और समीर की लाइफ में आपको रिसेशन का ये नुकसान सीधा देखने को मिल जाता है क्योंकि उन दोनों की जॉब चली जाती है। अब 3 महीने तक जॉबलेस रहने के बाद ये दोनों एक इमेजिनरी मिडल ईस्ट कंट्री नोमान में जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। जॉब दोनों की लग भी जाती है लेकिन डॉक्यूमेंट के कुछ लफड़े की वजह से नरगिस को समीर से थोड़ा सा पहले नोमान जाना पड़ता है। नोमान पहुंचने के बाद नरगिस का घबराया हुआ कॉल आता है कि भैया ये तो वो जॉब ही नहीं है जो हमें बताई गई थी, और उसके बाद वो गायब हो जाती है। अब ट्रेलर में हमने देखा कि नरगिस को एक्चुअली प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल दिया जाता है। अब भाई लड़की पंगों में फंसेगी, लड़का बचाएगा, इसी थीम पर तो आधा बॉलीवुड आज तक चलता आया है, तो यहाँ भी कौन सा कुछ अलग होने वाला था। तो अब हमारा हीरो जो है वो सीधा नोमान की फ्लाइट लेता है और बचाने के लिए पहुंच जाता है, और यहाँ पर मुझे लगता है डर इसलिए क्योंकि बागी 3 में मुझे याद है टाइगर श्रॉफ अपने भाई रितेश को बचाने के लिए एक मिडल ईस्ट कंट्री में गया था, और भाई साहब आपको पता ही है जब टाइगर श्रॉफ किसी को बचाने निकलता है तो देश का देश साफ कराता है, और ये तो विद्युत जम्वाल है जो कि मेरे ओपिनियन में टाइगर की टक्कर का अकेला एक्शन हीरो है, बल्कि कुछ मायनों में तो टाइगर से भी ऊपर है। अब जब विद्युत किसी को बचाने निकल रहा है तो मैंने इमेजिन किया था कि भाई अब तो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर खतरा आ गया है, लेकिन सरप्राइजिंगली हमारा हीरो तो जाके इंडियन एम्बेसी और कानून की हेल्प लेने लगता है। यहाँ पर समीर की हेल्प करने के लिए प्रकट होता है एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर उस्मान यानी अनु कपूर और दो ऑफिसर अहाना कुमरा और शिव पंडे। अब एक अरेबिक स्पीकिंग कंट्री में हिंदी बोलने वाले कैरेक्टर्स में ये तीनों मुझे ठीक ठाक बिलीवेबल लगे। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इस अरेबिक एक्सेंट वाली हिंदी के लिए इन तीनों ने बकायदा ट्रेनिंग ली है, जो इनके कैरेक्टर्स में मुझे दिख रहा था। अनु कपूर अपने ट्रेडमार्क बेहतरीन अंदाज में है और अहाना कुमरा क्या पानी जैसी एक्ट्रेस है यार, कोई भी रोल पकड़ा दो उसमें बिल्कुल ढल जाती है। शिव पंडित को बड़े दिन बाद स्क्रीन पर देखकर अच्छा लगा, इस बंदे को और ज़्यादा मेन स्ट्रीम बड़े रोल मिलने चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज मुझे किया विद्युत जम्वाल ने। स्क्रिप्ट में विद्युत के ताबड़तोड़ एक्शन के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन जितना उन्होंने किया है वो काफ़ी बिलीवेबल है। अगर वो 20 लोगों के बीच में भी खड़े हैं तो वो हाथापाई टाइप का ज़्यादा लग रहा है, विद्युत का मार्शल आर्ट वाला एक्शन नहीं। और इसके बावजूद अपने एंड पर इमोशनल सीन्स में विद्युत बिल्कुल डटे रहे। शिवालिका को स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। हालांकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी थी, लेकिन नरगिस का कैरेक्टर भाई किडनैप हुआ है, उसे प्रोस्टिट्यूशन में धकेला गया है, कुछ बोलने तो दो उसे। डायरेक्टर फारूक कबीर ने खुदाहाफिज़ के प्लॉट पर अपनी पकड़ शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल बना के रखी थी, जो एक अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने स्टोरी टेलिंग की पेस जानबूझ के तेज रखी हुई है, और इमोशनल सीन्स में आपको लगता है कि यार थोड़ा सा ठहर जाता तो अच्छा रहता। बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन फिल्म के गाने ठीक ठाक हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। खुदाहाफिज़ में विद्युत जम्वाल का ट्रेडमार्क ताबड़तोड़ एक्शन नहीं है, बल्कि उनकी एक्टिंग साइड पर फोकस करने की कोशिश की गई है। इस फिल्म में मसाला सोच समझ कर डाला गया है, प्लॉट थोड़ा देखा सुना सा है, लेकिन फिर भी ज़रूरत भर का एंटरटेनमेंट है। हमारी तरफ से विद्युत जम्वाल और शिवालिका ओबरॉय स्टारर खुदाहाफिज़ को 2.5 स्टार।